प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 दिन इसी जंगलों में ठहरे थे, जो आज राम रेखा धाम के नाम से जाना जाता है। प्रभु श्री राम और माता सीता इसी कुंड में नहाया करते थे और वनवास के समय माता सीता इसी चूल्हे से खाना बनाया करती थी और प्रभु श्री राम इसी पथ से कंदमूल फल लाया करते थे। ये वही अग्नि कुंड है जहाँ लक्ष्मण जी अग्नि जी को प्रज्वलित किए थे और ये वही गुप्त गंगा है जहाँ पे लक्ष्मण जी तीर मारकर गंगा जी को प्रकट किए थे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ झारखंड राज्य के सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित राम रेखा धाम, जहाँ पे प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के समय 14 दिन तक वहाँ ठहरे थे। और अगर आप रामरेखा धाम आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको रामरेखा धाम दर्शन करने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, रामरेखा धाम झारखंड राज्य के सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में 27 किलोमीटर की दूरी में पहाड़ों और जंगलों के बीच स्थित है। सर्दी हो या गर्मी, पूरे साल भक्त रामरेखा धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। पर अगर आप मेरे साथ रामरेखा धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पे होटल कहाँ पे लेना चाहिए, यात्रा का सही तरीका, यात्रा के लिए सबसे अच्छा मार्ग, खाना पीना और संपूर्ण बजट। यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए एक बार वीडियो को पूरा देखें। सही और संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। और आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो यहाँ तक आने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन। रांची रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हर प्रमुख स्टेशन से रांची तक ट्रेन आपको मिल जाएगी। स्टेशन से बाहर ही आपको रांची सरकारी बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो लगी रहती है। महज 10 रुपए में आपको बस स्टैंड छोड़ देगी। बस स्टैंड पहुंचते ही आपको सिमडेगा के लिए टिकट लेना होगा। टिकट का कॉस्ट मात्र 250 रुपए लगेंगी। रांची से सिमडेगा 135 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये महज आपको 3 से 3.5 घंटे में पहुंचा देंगे। मैं बस पर बैठ चुकी हूं और इंतज़ार कर रही हूं कि कब मैं सिमडेगा पहुंच जाऊं। आप देख सकते हैं कि मैं रांची बस पे बैठी हूं और ये बगल में जो मेरी है वो मेरी फ्रेंड बैठी हुई है जिनके साथ मैं सिमडेगा जा रही हूं। रात के 7:30 बज चुके हैं और मैं सिमडेगा पहुंच चुकी हूं और ये देख सकते हैं कि रात को सिमडेगा कैसा दिखता है। तो चलिए चलते हैं और आगे की जानकारी देते हैं आपको। ठहरने के लिए आपको भूलन सिंह चौक, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ही आसपास में ही आपको बहुत सारे होटल दिख जाएंगे जो महज 800 रुपये से 1000 रुपये तक में लगेगा और आपको होटल मिल जाएगी। तो सिमडेगा बस स्टैंड में पहुँच चुकी हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लैंडमार्क है भूलन सिंह चौक। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको बस या फिर ऑटो मिल जाएगी राम रेखा धाम के लिए और फेयर सिर्फ 50 रुपीज़ है और दूरी जो है वो 25 किलोमीटर है। तो वेट कर रहे हैं बस या ऑटो का, जैसे ही लेती हूँ मैं आपको अपडेट देती हूँ। तो चलो फिर वेट किया जाए। और वेट करते करते टाइम हो रहा है, 5 मिनट हो चुके हैं और अभी तक कोई भी बस और या फिर ऑटो नहीं आया अभी तक, देखते हैं। मेले के वजह से सारे ऑटो वाले डबल रेट बोल रहे थे, हम लोग तो परेशान ही हो गए हैं। 50 रुपए की जो रेट थी वो 140 रुपए बोले जा रहे थे। चलो ये लास्ट होप है, देखते हैं आगे क्या होता है। कितना आदमी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदमी है। हाँ, 6 आदमी है। भाड़ा मालूम है कितना है एक आदमी का? आप बताइए ना, हम लोग को तो पता ही है, आप बताइए। आप बताइए ना, हम लोग को तो पता ही है, तभी तो इतने देर से खड़े हैं। एक आदमी के पीछे हम लगाएंगे 140 रुपया। ठीक है, जाइए। 140 रुपया। हाँ ठीक है, ठीक है, वो आपका। ठीक है, ठीक, चल जाइएगा। जगह नहीं कि हमें गाड़ी मिल चुका है, ये हम हिचाइकी है एक तरह से और पुलिस वाले भैया हेल्प कर रहे हैं क्योंकि तो रामरेखा के लिए हम लोग ऐसे जा रहे हैं। तो कैसा फील हो रहा है?
बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है फ्री में जाने का ना। सच में हम लोगों को तो और कुछ ज्यादा फीलिंग अच्छी आती है, वेट करने का मजा कुछ और है ना। तो चलो फिर निकलते हैं। तो जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो फाइनली अब हम रामरेखा धाम के लिए यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं और ये देख सकते हैं ये जो है जो भी आप देख रहे हैं ये अभी भी सिमडेगा में ही है और हम बहुत जल्दी जल्दी एक्साइटेड हैं कि हम पहुंच जाएं रामरेखा धाम और प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन करें। तो आप देख सकते हैं जंगल एरिया आ गया है, यानी हम बहुत सामने हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं और एकदम नियर गेट पर ही है, एंट्रेंस गेट पर ही है। चलिए चलते हैं अंदर, लोग एंट्री ले रहे हैं। हम रेखा धाम पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से जो हमारी यात्रा होगी वो पैदल ही यात्रा होगी। हाय। तो आप सभी भी जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। दर्शन के लिए जैसे ही ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिखेंगे मेले में। जैसे आप देख सकते हैं ये ओखली है जिसमें गेहूं या चावल को पीसते हैं लोग। यहाँ पे और देख सकते हैं ये सब लोहा का है जो तवा होता है, या फिर जो गांव के आदिवासी लोग हैं ये सब बनाते हैं। तो अगर आप आएँ तो ये सब ज़रूर देखें और ये सब ट्राई करें। चलिए और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा में 3 दिन का मेला लगता है। मैं पूर्णिमा के 1 दिन पहले आई हूँ और तैयारी बहुत जोर जोर शोरों से लगी है। तो चलिए और मैं कुछ दिखाती हूँ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हो। क्या रेट है इसका? हाँ, बड़ा वाला 700। अच्छा, ये सब बिलैती चूहा या फिर खरगोश? कहते हैं कि अगर यहाँ से आप तोता या कुछ भी खरीदते हैं तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, यानी कि बहुत जल्दी सीखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेले में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्या है भैया? रामफल है, खाने का चीज़ है। रामफल, कंदमूल रामफल, कंदमूल रामफल। तो ऐसे ये स्लाइस में है? ये कच्चा खाया जाता है, मीठा लगता है, पेट के लिए फायदेमंद चीज है। रागो कुरा नहीं लेबो। कैसे पीस दे रहे हैं? कहते हैं कि इस फल का नाम कंदमूल राम फल इसलिए रखा गया क्योंकि वनवास के समय में राम जी यही फल खाया करते थे। अभी जो आपने देखा वो राम फल था, कंदमूल, जो मिट्टी के अंदर होते हैं, वो कच्चा ही खाया जाता है, यानी फल की तरह रहता है। चलो और कुछ आगे दिखाते हैं आपको। ऐसे मिला है तो बहुत खूबसूरत, और ट्रेडिशनल कपड़े भी मुझे दिख रहे हैं तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो क्या, इसको क्या कहते हैं? बंडी। अच्छा, तो ये कितने का आता है? 550 का। तो इसका दोनों आता है मतलब, या फिर सिर्फ ऊपर का ऐसा है, फिर अलग से दूसरा लेना रहता है? तो उसका दूसरा क्या है दिखाइए हमको। अच्छा, इसका धोती आता है? धोती। अच्छा, वो धोती जो उसका उसका धोती ना। तो ये सर कितने का आता है? ये 450। और जो दुपट्टा आता है वो कितने का आता है? हाँ, ये सब जो है 150। सब एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे आदिवासी ड्रेस भी मिलता है जिसको बंडी कहते हैं, और मैं उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा भी है क्योंकि वो कॉटन का रहता है, बहुत ही कंफर्टेबल ना। रेट भी आपको पता ही है कि रेट मैंने बता दिया आपको, थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो आप यहाँ पे कम करा सकते हैं, और है बहुत खूबसूरत। तो चलो मैं और आपको एक्सप्लोर कराती हूँ और मार्केट और थोड़ा सा दिखाती हूँ। ऐसा ड्रेस है और जो जो मुझे नया दिखेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ पे आदिवासी ड्रेस कैसा मिलता है और इसे बंडी कहते हैं और जो भी कुछ होगा। और चलो और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और मेलों को एंजॉय करते हैं, है कि आपको समझ में आएगा, और इसलिए मैं मेला के टाइम ही आई हूँ। तो चलो और कुछ नया चीज़ दिखाती हूँ और मैं भी कुछ जानती हूँ और आपको भी बताती हूँ। नीलम दी टेस्ट करिए क्योंकि उनको एक खरीदना भी है। तो अच्छा, क्या कहते हैं सर इसको? ढोल ढोल कहते हैं।
अच्छा, क्या नीलम दी ले रहे हैं क्या आप? अभी देखते हैं, पहले देखते हैं। चलिए फिर आराम से आया जाएगा। और चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है मेला में। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मिठाइयाँ लग चुकी है मेले के लिए, लोगों के लिए। और ये देख सकते हैं वो जो बड़ी बड़ी पूरियाँ दिख रही है, वो पूरियाँ नहीं, खाजा है। तो चलिए पहले मैं ये देखती हूँ कि आखिर वो काट क्या रहे हैं। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आखिर ये है क्या, तो उन्होंने कहा कि ये बर्फ़ी है। यहाँ पे जितने भी स्टॉल में लगे हुए हैं वो सब मिठाई ही है। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार की मिठाई है। तो यहाँ जब मैंने पूछा तो ये लोग ने कहा कि ये लड्डू, बर्फ़ी, खाजा, ये सब सारी मिठाइयाँ यहाँ पे हैं। चावल का डो बना के उसमें स्टफ़ करके ये पीठा बनाया गया है, और इसका छिलका भी चावल का ही है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है वो टमाटर और आलू का ग्रेवी और धनिया पत्ता की चटनी में ये दे रहे हैं, और पीस है 5 रुपये। क्या बोले नीलम दी? दोना शुद्ध होता है। अच्छा, दोना शुद्ध होता है क्योंकि आप खाएं उसके बाद वो फिर ये है, एक तो पत्ता भी एक सगुन वाला। हाँ, पत्ता सगुन का रहता। हाँ, सही। हाँ, सरई का पत्ता। अच्छा, सरई का पत्ता है, दोना बोला जाता है। और इसे खाने से बहुत ही एक हरा ऊपर से शुद्ध। अच्छा अच्छा, है ना। तो आप इसलिए ट्रेडिशनल थोड़ा सा मतलब पत्ते में ही दिया जाता है। शादी ब्याह में भी हाँ, हाँ, क्योंकि तो चलिए इन्हें खाने देते हैं, इंजॉय करने देते हैं, क्योंकि मुझे दर्शन करना था इसलिए मैं खाई नहीं। मैं बाद में खाऊंगी और टेस्ट करूंगी। मैं मंदिर के निकट पहुंच चुकी हूं और बहुत एक्साइटेड हूं, और मुझे पता है कि आप भी बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे कहा जाता है कि चाहे जितनी भी गर्मी हो पानी कभी नहीं सूखती, और यही है सीता कुंड जहाँ राम भगवान और सीता माँ नहाती थी। तो इस कुंड को श्री गंगा कुंड भी कहते हैं। भगवान श्री राम और माता सीता स्नान यहीं पे किया करती थी, ये उनका स्नान का स्थान था, इसलिए शायद इसे गंगा कुंड कहा जाता है। और इतनी ऊंची जगह पे होते हुए भी या गर्मी के दिन में भी कभी सूखा नहीं होता। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्थल दिखेंगे, जैसे गंगा कुंड, लक्ष्मण कुंड, माता सीता चरण पादुका, श्री राम चरण पादुका और भी बहुत कुछ। तो चलिए पहले मैं आपको श्री लक्ष्मण कुंड दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं जो धनुष के आकार में बना हुआ है, इसे ही लक्ष्मण कुंड कहा जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। कहा गया है कि इस कुंड का गहराई कोई भी नाप नहीं सका, और ये कुंड देखने में धनुष के आकार की तरह है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुंड के आकार जो है ये पूरे धनुष के आकार का है। वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी तीर मार के पानी निकाले थे, और ये है थोड़ा लंबा है जैसे तीर जैसा होता है। तो यहाँ पे लोग थोड़ा स्पिरिचुअल अपना पैर हाथ धो के थोड़ा पानी छीट के और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण कुंड से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको श्री राम वन गमन पथ, यानी कि राम जी यहीं से ही कंदमूल फल लाने के लिए वन की ओर जाते थे। तो चलिए प्रसाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रसाद ले लिया है मैंने, दिया ले रही हूँ और आगे की ओर बढ़ रही हूँ। चारों तरफ जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ रामरेखा धाम कितना भव्य है ये तो आपको दिख ही रहा होगा। अगर आप रामरेखा धाम आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कब आना होगा? आपको आना होगा कार्तिक पूर्णिमा में, क्योंकि 3 दिन का मेला लगता है और इस समय श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मल डेज में आएंगे तो यहाँ पे आपको लोग एक भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये पूरे जंगलों के बीच में है, यहाँ पे घनी आबादी या एक भी लोग नहीं रहते। यहाँ पे सिर्फ दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा में लोगों की भीड़ कितनी है। मैं कार्तिक पूर्णिमा के टाइम ही आई हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का दर्शन कराती हूँ। मंदिर के और निकट पहुँचते ही श्री सीता चरण पादुका है, यहाँ पे कहा जाता है कि माता सीता का चरण पादुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको मंदिर का एंट्रेंस दिखने लगेगा।
यहाँ पे देख सकते हैं माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति भी लगी हुई है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप मंदिर के बहुत ही निकट हैं। यहाँ पे आप अंदर में देख सकते हैं कि लोग श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं और यहाँ पे क्या क्या मुख्य चीज़ है उसकी जानकारी लेते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आगे बढ़ते ही आप देखेंगे कि यहाँ दो द्वार है, यानी कि यहाँ पे इंट्रेंस है और एग्जिट भी है। तो चलिए इंट्रेंस से जैसे ही हम अंदर जाएंगे, आप देख सकते हैं सबसे पहले यानी सर्वप्रथम गरुड़ महाराज को यहाँ पे देख सकते हैं। गरुड़ महाराज की मूर्ति है और फिर अभी भी देख रहे हैं निर्माण कार्य चल रहे हैं, यानी कि रामरेखा धाम में निर्माण कार्य प्रगति की ओर है। मैं मंदिर के ठीक सामने खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं मंदिर का जो द्वार है वहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, लाइन लगे हुए हैं। श्रद्धालु दर्शन के लिए लाइन लगा के रखें क्योंकि इस समय बहुत भीड़ हुआ करती है। तो चलिए लाइन में लगते हैं और दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। लाइन में लग चुकी हूँ और यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यहाँ पे एक घंटी भी है जो बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कितने ऊपर में है घंटी, बहुत बड़ा, और लोग यहाँ पे घंटी बजाते हैं। गर्भगृह के द्वार पर मैं पहुँच चुकी हूँ, अब एंट्रेंस बाकी है। चलिए एंट्री करते हैं और भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन करते हैं। एंट्री करते ही आप ऊपर छत की ओर देखेंगे तो एक चिन्ह नज़र आएगा। ये चिन्ह है राम रेखा चिन्ह। यहाँ पे दो चीज़ है जिससे प्रमाण होता है कि प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पे रहा करते थे। तो सर्वप्रथम ये संख है जिससे ये प्रमाण होता है कि यहाँ पे प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रहा करते थे। और दूसरा भोले बाबा, यहाँ पे जो भोले बाबा हैं, माता सीता वहाँ पे पूजा किया करती थी। तो चलिए भोले बाबा को दिखाते। ये जो राइट हैंड साइड में आप भोले बाबा देख रहे हैं वो माता सीता के टाइम का ही है, जो यहाँ पे माता सीता पूजा किया करती थी। दर्शन हो चुका है और अब मैं बाहर निकल चुकी हूँ। चलिए मूली बनवाते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की जानकारी देती हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यही वो देवराहा बाबा हैं जो यहाँ पे रहकर संत निवास, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रहकर ही सिद्धि किए थे और इस जगह का पता लगाए थे। संत निवास के जस्ट बगल में आप देखेंगे श्री लक्ष्मण गुफा, जहाँ पे लक्ष्मण जी रहा करते थे। क्योंकि अभी जो गर्भगृह मैंने दिखाया था वहाँ पे प्रभु श्री राम और माता सीता रहा करते थे, और जो अभी मैंने लक्ष्मण दिखाया लक्ष्मण गुफा, वहाँ पे लक्ष्मण जी रहते थे। इस जगह के जस्ट बगल में आप देखेंगे गुप्त गंगा। लोगों की मान्यता ये भी है कि अगर हाथ डाल के अगर गंगा मैया को छू लिया जाए तो यहाँ के दर्शन आपके सफल हो जाते हैं। तो अगर आप दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं तो गुप्त गंगा में गंगा मैया को छूना ना भूलें, ज़रूर आके यहाँ पे भी गंगा मैया को छूएं। चलिए और कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक वृक्ष दिखेगा, जिस वृक्ष का नाम है अक्षय वट, जो कहा जाता है कि ये बहुत सालों से यहाँ पे ये वृक्ष है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निर्माण कार्य को भी देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इस धाम को बना रखा है और अभी भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को धन्यवाद करते हैं इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दान दक्षिणा अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ की वादियों को भी देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी खुली वादियाँ हैं, यानी कि आप स्वयं देख सकते हैं कि ये चट्टानों के ऊपर, यानी कि इतना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है और चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से आपको मंदिर दिखेगा जो पूरा, आप जो मंदिर देखते हैं, ये जो पहाड़ देखते हैं, ये पूरा धनुष के आकार का है। तो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जोर से बोलें। यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऊपर में हूँ और ऊपर से मुझे मंदिर बहुत खूबसूरत और भव्य नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक है और यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं बाहर निकल चुकी हूँ और यहाँ से भी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही बाहर निकलेंगे श्री रामचरण पादुका भी यहाँ पे आपको दिखेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी, नंदी महाराज। ऐसे तो कहते हैं कि नंदी महाराज भोले बाबा के पास होते हैं, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नंदी महाराज भी दिख रहे हैं आपको, जो बहुत भव्य है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जय माँ संतोषी लिखा हुआ है, जहाँ कहा जाता है कि माता सीता यहाँ पे चौक बनाई थी। तो ये देख सकते हैं सीता चौक, क्योंकि सीता माँ ने यहाँ पे चौक बनाया था, ये देखिए, है ना। तो इसलिए इस जगह को सीता चौक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ दिखाती हूँ आपको, मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ देख सकते हैं सीता चौक लिखा भी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यही वो बोड़ा बाबा है जिन्होंने इस जगह का खोज किया था। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो ये पुस्तक दुकान भी दिखा। अगर मेले में आते हैं तो आपको ये पुस्तक भी दिखेगा, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते ही आप देखें बहुत सारी चीज़ है जो आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं इस मेले में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वादी को देखते चलते हैं। पहाड़ों की तलहटी से घिरा हुआ है ये स्थान और आप देख सकते हैं कि अब मैं ऊपर जा रही हूँ और आप यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि चारों तरफ जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है। और ये रामरेखा धाम जो है आपको बहुत ही नेचर के करीब, यानी प्राकृतिक के करीब ले जाता है। चलिए ये दिखाते ही मैं आगे ऊपर की ओर बढ़ती हूँ। ऊपर में भी मुझे एक मंदिर दिख रहा है, चलिए वहाँ पे दर्शन करते हैं। आगे बढ़ते ही यहाँ से आपको दृश्य और भी मनभावन लगेगा। ये देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग दर्शन के लिए गए थे, यानी कि गुफा। ये गुफा मार्ग है और गुफा मार्ग से यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है रामरेखा धाम का गर्भगृह। ऊपर आ चुकी हूँ और मंदिर में है भोले बाबा। ये मंदिर में भोले बाबा का पूजा हुआ करता है। और चलिए अब यहाँ से दर्शन करते हुए अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ श्री सीता चूल्हा, जहाँ पे कहा जाता है कि माता सीता वनवास के समय खाना बनाया करती थी। और ये भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी जहाँ से धनुष से अग्नि निकाले थे वो जगह भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ श्री सीता चूल्हा। तो देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पे माता सीता खाना बनाया करती थी। तो चलिए पंडित जी इस चूल्हे के बारे में क्या कहते हैं उनसे जानकारी लेते हैं। प्रणाम कीजिए, मेरा चूल्हा कभी न घटे, मैं जो पकाऊं माता मैया से आशीर्वाद मांगिए कि मैं जो पकाऊं वो कभी न समाप्त हो, जितना भी खाना आ जाए खाने वाले वो पूर्ण हो जाए, ये आशीर्वाद मांगिए। तो चलिए आगे चलते हैं और उस जगह को देखते हैं जहाँ पे अग्नि कुंड है। और कहा जाता है कि लक्ष्मण जी वहाँ पे धनुष मारकर अग्नि को प्रज्वलित किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग श्रद्धालु जो हैं दर्शन करके आराम कर रहे हैं। और ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बचपन में पहले हम लोग सपेरे वालों को देखते थे, तो अगर मेरे वीडियो कोई देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि किन किन लोगों ने बचपन में ये जो सपेरे वाले थे उनके खेल को देखा है। तो चलिए इससे देखते ही आगे बढ़ते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे अग्निकुंड है। तो मैं अग्निकुंड पहुंच चुकी हूं। यहां देख सकते हैं कि ये पहाड़ में ही बना हुआ अग्निकुंड है, यानी कि एक चट्टान है जिसके अंदर से एक गैप है, वहां से ही जो लक्ष्मण जी थे वो तीर मार के अग्नि को प्रज्वलित किए थे। तो चलिए वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, गर्मी का एहसास तो हो रहा है, पर कहा जाता है कि पहले ये लौ की तरह मतलब रहा करता था यहाँ पे, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत गया ये अब बहुत कम हो चुका है। तो अगर आप यहाँ आते तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा दर्शन कंप्लीट होते ही हम घर के थोड़ा थोड़ा गर्म पहाड़ थोड़ा से नीचे उतर ही रहे थे कि पता नहीं मुझे अचानक ये क्या दिखा। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। हनुमान जी का भी कंकाल है। तो ये क्या काम के लिए, क्या काम का है ये?
वही नजर गुजर डाइन बिसाही सब नासन थांगन छिचा साफरो भूत पिचा सवा धुका यही सब का काम देता है। तो मतलब करते क्या है, मतलब करते क्या है इससे? इसको ताबीज नहीं पहनते हैं। अच्छा, इसको डाल के ताबीज नहीं पहनते? हाँ, सबको काट के थोड़ा थोड़ा पीले तेल डालते हैं। चलो ये श्रद्धा पे डिपेंड है। मतलब जैसे आपने अभी देखा कि सबका स्केलेटन था और कह रहे थे कि वो ताबीज में बना के वो पहनते हैं, और अगर किसी को चाहिए जिसको ब्लैक मैजिक या कोई भी किसी चीज़ किया हुआ रहता है तो वो वैसे पहनते हैं। ठीक है, वो सबका अपना अपना श्रद्धा है। तो चलो, ये भी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ऐसे चीज़ भी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम नीचे उतर चुके हैं। मुझे द्वार दिख रहा है जो स्टार्टिंग पॉइंट में एंट्री द्वार था, तो अब हम पहुंच चुके हैं और चलते हैं नीचे की ओर। ये ढोल क्या खरीदते हैं या फिर मतलब बेचने लाए हैं? अच्छा, ये बेचने के लिए। कैसे है ये ढोल? 4,000-5,000 का ढोल? ढोल बोलते हैं ना इसको? मांदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांदर। मांदर, तो देख सकते हैं ये भी मांदर है। ट्रेडिशनल ढोल को ही है मांदर कहते हैं ये लोग अपनी लैंग्वेज में। मैं नीलम देव की भाषा को इसलिए आपको सुनाई क्योंकि यहाँ का ये लोकल लैंग्वेज है, और नीलम दीदी ने डिसाइड किया कि एक मांदर तो वो भी खरीदेगी। तो चलिए देखते हैं वो खरीदती है या नहीं। यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उससे भी रूबरू कराती हूँ मैं, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। ठीक है सर। अरे ढोलकी कितना? ढोलकी है 3500 का है। लीजिए, कौन को देख रहे हैं? देखिए, अधिक बोलिए इसका। 4,000 में लड़की लोग हो इसलिए दे देंगे अभी। आखिरकार नीलम दी ने मांदर खरीद ही लिया। चलो ये तो खरीद लिया, चलो दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ और एक मांदर हमने खरीद ही लिया। अब चलते हैं गाड़ी चेक करते हैं कि सिमडेगा जाने के लिए कौन सी गाड़ी है, और यहाँ से निकलते हैं। मांदर खरीदने के बाद नीलम दीदी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत ही खुश थी और मुस्कुरा रही थी, और मैं वेट कर रही थी कोई भी गाड़ी आए जो हमें सिमडेगा पहुंचा दे। बहुत देर तक वेट किया पर कोई भी गाड़ी नहीं मिला। पता चला कि जो यहाँ पे रिजर्व करके आता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप रामरेखा धाम आ रहे हैं तो आप अपने गाड़ी को रिजर्व करके लाएँ, क्योंकि यहाँ अगर आप पहुँचते यानी रामरेखा धाम में, तो आपको ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिलेगी जो आपको सिमडेगा तक पहुँचाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप दर्शन के लिए रामरेखा धाम आएँ तो अपनी गाड़ी को रिजर्व करके आएँ, क्योंकि आपको जाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई राय देनी हो तो ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं आपके सजेशन का वेट करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय जय।